गंगा गंगा आया माँ। बेटा सब काम निपटा दिया? अरे सब फर्स्ट क्लास हो गया माँ। दैया को घास डाली? हाँ माँ, बहुत जिम्मेदार नहीं हो रही है सुसरी। अरे रहे दे बेटा, तेरे पिताजी की निशानी है। अरे तेरे पास तो दुई दुई निशानी धरी है, एक मैं और एक वो तेरा स्टूडेंट। पर तू बैठक कहे है? ले अपने भैया को दे जा। अपने भाग में तो नौकरी लिखी है, उधर जमींदार जी की नौकरी और इधर स्टूडेंट साहब की। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना गंगा? पाप है, चोरी करना। अरे बेटा इधर घड़ौचे पर जमुना का कुर्ता धरा था, कहाँ गया? झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप। अरे धो दिया माँ, उधर सुखाई को डाल दिया है। दुख से न डर, सच के दुख से न डर, हिम्मत कर पापी से लड़, हिम्मत कर पापी से लड़, सच के दुख से न डर। बहुत हो गया सन्यासी जी, अब जरा जल्दी खाए पी लिया, हमका नौकरी पे जाएगा। हाँ बेटा जल्दी कर, नहीं जमींदार ने जान खाई जाएगी। चल गंगा, चल बेटा उठ उठ, चल जल्दी। राम राम महाराज। ओ पाए लागी। कल्याण हो, कल्याण हो। कथा तो रही है, परसों है, पर आजकल कथा में आता कौन है बहन? हाँ सो बात भी ठीक है। अब देखो ना बहन, पिछले बरस क्या क्या धनवान मरा है, पर एको बम्मन नहीं खिलाया किसी ने। कलजुग है कलजुग। हाँ महाराज, अच्छा तो हमका आज्ञा दो। सुखी रहो। चोर बेसराम कहीं का, बोल कह दूं चाची से। भूतनी धनों की बच्ची, सर फोड़ दिया मेरा। ले तू भी ले, ले ले तू भी ले, ले तू भी ले, ले तू भी ले। अरे अरे गंगा क्या कर रहा है? अरे अरे चल छोड़, गिर क्या गंगा। बेसरम सौ बार तो है मना किया, छोकरे पर हाथ उठा दे तो है शर्म नहीं आवत। ज्यादा मार तो नहीं लगी धनो? अरे ये काम मरी है मुहे चाची, बोल कह दूं अभी। कह दे चुगल खोरनी। चल हट, आखिर हुआ का? धनो ये तो सवेरे सवेरे जा का रही है। ऊ का लकड़ी कटाई करके माँ घाट पे छोड़ाई रही, वही लेने जा रही हूँ। अरे अरे माँ माँ जरा उधर देख। देख बेटी है, दिखता तो नहीं कल्लू काका। जय भगवान। ये बेटी दूर दूर मत चल, उसका कोई भरोसा नहीं किधर से आ जाएगा। पर काका हाँ। मुझको तो कुछ नहीं कहता। जानता है ना कि तू जमींदार जी की इकलौती बेटी है, डरता है हरामखोर। और मैं ठहरा दो कौड़ी का मुनीम, मेरा तो गांव में आना जाना आफत कर रखा है कमबख्त ने। बोल बेटी बोल, राम बचाओ कल्लू को, अंधा कर दो लल्लू को। राम बचाओ कल्लू को, अंधा कर दो लल्लू को। राम बचाओ कल्लू को, अंधा कर दो लल्लू को। राम बचाओ कल्लू को। पापा। ए खबरदार, लल्लू नहीं, बस डर मत बेटी, डर मत बेटी। कल्ला बेटी भाग। आलू बैंगन भाजी हो, पंडित जी सुहार, अरे मुनीम जी सुहार, सारा खो जाएगा, 50 रुपए का खर्चा उठाई दियो। राम राम भाई हो। नमस्ते गोविंद बहन। राम राम बेनी भैया, ले अपने चेला चेली संभालो, चलो चलो चलो। कमला जमुना तुम बोर्ड साफ करके घंटी बजा दो, समय हो गया। खूब छनती है इन दोनों में। मेरी बहुत आस है इस बेटे पर। बिल्कुल अपने पिता पर गया है, मेहनत और ईमानदारी में
तुम्हारे बेटे से बढ़कर कोई नहीं गोविंदी बहन। राम राम चाची। राम राम कल्लू काका। ये जीवन यात्रा घोर कठिन है चाची, घोर कठिन है। क्या आज फिर लल्लू से मुचेटा हो गया मुनीम जी? मास्टर आज तो मार मार के भुरकस भर दिया, खोपड़िया लिए लिए महीना भर घूमेगा। क्या दुम दबाए के भागा है काका। हाँ। लांग लटक रही है पीछे। मास्टर वो कमला बिटिया आ गई। गोविंदी बहन ले आई। मैं तो कहूँ चाची, जमींदार जी ने बुरा किया जो बुढ़ापे में बिटिया पर सौतेली माँ ले आए। नंबरी डाइन है नई मालकिन चाची, और उसका भाई हरिराम चोर है चोर। ससुरा काशीपुर के कौनो भाई जी से टाका भिड़ाए। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम जमींदार। राम राम। राम राम जमींदार साहब। राम राम भगन मां जी। मालिक मलकिन जागी। अरे हजूर भाई, उनके जागे का टाइम नहीं भवा है। वो भाई बहन तो जब नीम पर धूप चढ़ा था तब जागा था। राम राम जमींदार साहब। राम राम। जीते रहो। कैसी हो गोविंदी? कृपा है आपकी। अरे ओ गोविंदी की बच्ची, जिंदा है या मर गई? चल बेटा। बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के। के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के।
अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन अरे नखरा जरा खाऊं खाऊं देखो। नहीं नहीं चाची कोई जल्दी नहीं है, तुम पूजा कर लो, बरोबर पूजा कर लो। क्या बात है? अरे कोई बात नहीं चाची, वैसा हुआ कि अभी क्या बताऊं मैं, ये बड़े आदमी चीज इधर उधर धर के भूल जाते हैं और हम गरीब नौकर चाकर लोगन को फोकट फोकट जहां फंसाने उठाना पड़ती है। बात क्या है लाला? बात क्या चाची, तुम जानो ये पैसा वालन का मगज तो बरोबर होता नहीं, अब मालकिन जीवर कहीं धर के भूल गई हैं और शक करती है तुम पर। तुम पर शक किया तो जानो भगवान पर शक किया। मेरा घर पड़ा है, देख लो लाला। एकदम बेफजूल बात है, मुदा नहीं मानी, कहां से कहां बेच रहा हूं खान साहब को दिल्ली से, और खान साहब बेच रहा हूं, नमाज पढ़ के खाना खाए जाता है, खाने खा साहब।
बर्तनन की भी सामान आ गई था भी लिखा न मालूम कौन कसूर है। हम तो कहा हाँ साहेब हम हाँ हैरान हो रहे हैं आप यहाँ कुछ मिलना उलना नहीं। चुप रहो लाला काम करने दो। भूल गई साहेब बड़े बेशरम हो तुम लोग बड़े बेशरम हो तुम लोग। संभाल के भैया गरीब का सामान है। ठीक नहीं, ये ठीक बात नहीं है थानेदार साहब। देखिए इज्जतदार औरत के लिए ऐसी बात मर जाने के बराबर है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ उन्हें जाने दीजिए। अरे पंडित जी आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। कह तो चुका हूँ कई बार कि आप लोग जमानत भर दीजिए और उनको ले जाइए। जमानत तो आपने ऐसे कह दिया जैसे हम गरीबों के पास खदाने गड़े हुए हैं। तो कानून भी मैंने अपने घर में नहीं बनाया है भाई। ठीक है आपने कानून नहीं बनाया मगर थानेदार जोर की बहस से कोई फायदा नहीं। आप जा सकते हैं। आप चुप रहिए पंडित जी आप अफसर से गुप्तगु करना नहीं जानते हैं। दरोगा जी ये बुजुर्ग आदमी है अंग्रेजी कायदे कानून से बिल्कुल नावाकिफ है बिल्कुल नावाकिफ है। दरोगा जी एक बात आपके सुनने की है। इस साल आम की फसल इतनी बढ़िया आई है इतनी बढ़िया आई है। दो चार टोकरे भिजवा दूं। आप रिश्वत देना चाहते हैं। हाँ थानेदार साहब जमानत मैं दूंगा जितनी भी होगी मगर आप गोविंदी को छोड़ दें। गोविंदी बहन गोविंदी बहन आओ घर चले। बेटा कुछ नहीं हुआ। चाची तुम बिल्कुल गम न खाओ तुम्हारी इज्जत गांव भरे में जैसे रही वैसे हमेशा बनी रहेगी। अरे तुम्हारे आगे चाची दुदू लाल जिंदा है तुम्हें का फिक्र। Thank you.
जाने मन की सब बतियां रे, ओ हो बैलन की जड़ियां जाने मन की सब बतियां रे, डरारी डरारा रा ला लो ला 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 रुला गाय जाओ, खूब गाय जाओ। और यहाँ 125 बोरी में 19 बोरी का पता नहीं चला था, जाना था। अरे कौन 19 बोरी बाबा? अरे डबल मजूरी इमारत है ससुर, ऊपर से पूछा था कौन 19 बोरी, वो जो सोमवार को लाया रहा, वो पिछले सोमवार को। हाँ ए मंगलवा, अरे गाड़ी खाली कर, कहाँ चलो? जरा कहाँ लिए जा रहा है? कुछ में यू का तुम्हारे लगन के लिए धरी रखी है का? गल लिया बेटा, गल लिया। अरे गल लिया ना, कहा कि गल लिया। हमार खोपड़ी खाली हो गई है बेटा, विद्या कसम का ध्यान ही नहीं रहा, एकदम ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। सवेरे सवेरे हरी राम की शकल सामने पड़ गई है ही काका। चुप रहो बेटा, नाम न ले हुए अपराधी का। ठीक 12 बजे दोपहरिया की पैदाइश है वो हरी राम। और बेटा जब से बड़े बाबूजी मरे हैं तब से तो ससुर और कयामत जोते हैं, समझत है कि बैल बधिया घर द्वार जैसे सब उनके बाप का हो गया है। बात है भैया, हरी बाबू जैसा आदमी तो 25-25 कोस में नहीं मिल सका था। अरे हम बड़ा बड़ा असराब ज्यादा देखा, मुदा छोटे बाबू की तो बात है जुदा गाना। राम राम बाबू, तुम बस बक बक किए जाओ, पता है बर्थडे खबे के लिए शहर से मेहमान आ रहे हैं। ऐसा कहीं हो सकता है बाबूजी, आले दर्जे का इंतजाम कराई दिया गवा है, भोरे भोर बैली स्टेशन चली गई है, ऊपर वाले कमरे में साफ सफाई कराई दी गई है, हुक्का पानी का इंतजाम सब चौकस है सरकार। पर लाला ये भी पता है कि वो शहर के आदमी है, जंगल नहीं जाएंगे। अरे बाबू हमका सब पता है, वह इंतजाम हो गवा है, बगिया के कोने में 2 टट्टी लगवाई दी गई है। और भैया बड़े बाबू के जमाने में ऐसा ऐसा अंग्रेज अफसर आवत रहे कि गाड़ी छो बात नहीं करत रहे, डैम फूल बिलाडी गड्डामियर, मुदा हमारे इंतजाम सवाई मान गए। विद्या कसम एक एक दावत में दूधी सुअर कटवा दिया, दूधी सुअर। क्यों रे काम चोर, तू खड़ा क्या सुन रहा है? काम कर, जितनी मजूरी दे थो ना बाबू जी उससे डबल काम करत हूँ। डबल क्यों, टेबल बोल बेटा टेबल। लाला देख रहे हो कितना पंचम में बोल रहा है। अरे लाला का देखेंगे बाबूजी, हमसे बात करो ना, बेफजूल हमका काम चोर कहत हो। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ना। अरे जादू बाबूजी तू, अरे मुंह फट लगाम दे जबान को, अरे तेल हट निकल सामने से, चल हट। आग दिखावत है ससुर, आग नीति का लगे देखने के लिए, पर आग दिखावत है। तुम जाए दो बाबूजी, तुम जाए दो, एक मुंह न लगो, एक मुंह न लगो बाबू जी। ये गरीब लोगन की आंख में शर्म है तो रस्ती भर तो नहीं बाबू जी। तुम जाओ, हम इनका ठीक करी थे, इनका हार हार तोड़ के धर देते। अरे तुम मुंह का देखा दे, गाड़ी खाली करने ससुर दांत नहीं पड़ता है। चल ससुर नहीं थे, देखकर नमक खाते हुए की आंख दिखावत है। ठहर जा ससुर, जन खा कहीं का। अरे सारे तू भी एक गधा है, अरे धके देवे के रहा है के रह, पर सारे की तबीयत चौकन्ना हो गई हो, चिर चिर करता। मैं तो जमुना की लिखाई पढ़ाई के कारण निकम्मा हो गया हूँ काका, नहीं तो गंगा कौनो की बात सुने इतनी। अरे मार मार के भैंसा बनाए दू ससुर का। तो बेटा एक बात यू सुन ले, तू जो अपने भाई को अंग्रेजी लिखाए पढ़ा रहा है बिल्कुल चौपट कर रहा है, बिल्कुल चौपट कर रहा है। उसकी बात जाने दो, बात तो सुन बेटा, भला तू नहीं खर्चा होता शहर में कब तक भरिए? अरे अब भरेंगे जब तक दम में दम है, भरेंगे और क्या करें। भरो बेटा, भरो का। हाँ अगले हफ्ते अपना सुपुटन शहर को जा रहा है, उसके कारज में छुट्टी खत्म हो गई है। तो फिर अपना हिसाब किताब चुकाई दो, आज बाजार का दिन है, कोई एक दो चीज खरीदेंगे उसके लिए। बेटा जब तक चाचा जिंदा है तू हिसाब की फिक्र मत कर। अरे अरे मुर्रा कल्लू चाचा, गाड़ी भर के पैसा ले बेटा, और के है हमारे आगे पीछे तुम लोगन के सिवाय, बोल है? अच्छा कितने पैसे हुए? ले 10 और 5 15, ये तो भाई तुम्हारे चौकीदारी के। और ये 10 और 10 20 और 21 22 22.5, 1.5 रुपया रोज के हिसाब से 22.5 रुपया तुम्हारे गाड़ी बैलन का। 22.5 और जो ऊपर की मजूरी के हैं वो का इनाम वो न दे,
बदे बेटा कि कल जब तुम टनकपुर की पार्टी से कबड्डी के दंगल मार ले तब दे डबल दे डबल। अरे काका और बेटा ये मत भूले हो कि पार साल तुम्हारे गांव की नाक काट गए रहे उ लोग। अरे हाँ। पर के साल तो खुशकिस्मत रहे हाँ। हमारी तबीयत जरा नासाज रही आपकी देखो दम बहुत पकाए तो देखी थे ना बेटा का होत है कहे नाऊ ठाकुर कितना बार कहे सरकार आगे आवत है कल है तो फैसला हो जात है ना तो आवत है तो देख लेना अठन्नी अठन्नी वापस कहे के साढ़े बाईस है ना भैया तीजे से बनिया गिरी काका भतीजा हिसाब में नहीं बेटा नारे दौड़ लगा के दूध पियोगे तो अरे बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे हैं गुंडे कहीं के। अरे देख रही धनु हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है फाउंटेन। हाँ टेम लावा है चलत ना ही सारे से की निकाल दे हो एक मिनट माँ। अरे बाहरी महारानी बाह फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का फोकट का नहीं इकन्नी दिए हूँ इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ अरे इकन्नी देखी है कौनो दिन। हाय हाय तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे तोरी छाती का है फटे रे एक हराती का था इको समझाए दियो नहीं तो का तोप दम कर देगी। ये हाथन में कांच की चूड़िया नहीं लोहे के कड़े हैं कड़े दिखा तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा। अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ ना कर उल्लू बाजी कहीं का बंदर की तरह नाचे है बेसरम चोर की तरह का फट दे इधर फट दे उधर। धन्नो कौन कमला जी अरे ये किसे कोस रही हो तुम अपने कर्मों को और किसको कोसूंगी कमला जी आज फिर कोई झड़प हो गई गंगा जी से। उस शैतान को तुम गंगा जी कहत हो बहनी ना लाज ना शर्म रास्ता गली जहाँ देखो नटपना करो थे ऊंट इतना कद निकाला है पर सराफत में दुई कोड़ी का आदमी है ये गंगवा। छी छी बुरी बात धन्नो गंगा दादा बहुत अच्छे आदमी है मेरी बात सुन तू तो पूजा किया कर उनकी। अरे भगवान एक ठिकाने बैठे तो कोई पूजा करे जरा गौर करने की बात है बहनी कोई विश्वास करेगा कि ये राक्षस जमुना जी का भाई है। तू नहीं जानती जमुना जी को पत्थर की मूर्ति है वो। एक बात पूछूं कमला जी क्या बात बुरा तो नहीं मनियो नहीं तो ये तुम दोनों में झगड़ा कौन बात का है। मेरा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं। लियो फिर तुम बात का ही नहीं करत हो जमुना जी से इतना स्नेह रहा तुम दोनों में। उन्हीं से पूछो ना उन्होंने खुद ही मना किया है मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे ओ कमला महारानी चीखते चीखते गला सूख गया। अरे हे मगरमा जी वेलकम। अरे जा जाके देख ये अपनी गुल बकाउली कहाँ गायब है सवेरे से। आपने मुझे बुलाया माँ। आए हाय ये बंठन के कहा के सैर सपाटे की तैयारी हो रही है। पूजा करने जा रही थी। वो कल आए रहे हैं संधी माचर लड़के को लेके तेरी बात पक्की करने। जी जी की सगी वो क्या देख रही। मैं तो भगवान के मंदिर में सोने का कलश चढ़ाऊंगी जो उन्होंने तुझ जैसी गुणवंती को पसंद कर लिया। परमा जी बस चुप। परमा जी वो जो कहते हैं बुढ़ाऊ मर गए औलाद छोड़ गए चल दफन हो मेरे सामने से। अच्छा जमुना मैं चलता हूँ थानेदार साहब को नियत कर दिया। नमस्ते नमस्ते मास्टर साहब। हाँ बोलो जमुना जी संसार की क्या खबर है।
तुम संसार की चिंता मत करो, कल जलसे में तुम्हारा नाच है उसका ध्यान रखो, समझे? हाँ हाँ, खूब नचाओ हमका, खूब नचाओ, जलसा तुम करो और नाचे धन्नो। और एक बात पूछूं बाबू साहेब। कौन बात? ये हमारी सहेली का इतने दिन से काहे नचा रहे हो तुम? हाँ, कौन सहेली? अरे बोरे भैया, एक तो कुछ मालूम ही नहीं। अरे जरा टिक के बैठो जनाब। हाँ बैठ गया, बोलो। अरे तुम तो हजारन चौपड़ी पड़े हो, तुम्हारी बुद्धि में ना ही आवत है कि कमला रानी तुमसे कितना प्रेम करत है, और ऊपर से वो बिचारी का बोले हो कि तुमसे बात न करे। ये कहा नकरा, जरा समझाओ हमका, ये कहा नकरा है? मैंने जो कुछ कमला से कहा है वो ठीक ही कहा। अरे पर वो लोगों की लगन की बात कर रहे हैं जमुना जी। ठीक ही कर रहे हैं वो लोग। क्या अपनी लड़की का पल्लू एक ऐसे भिखारी से बांध दे जो बचपन से अपने भाई की रोटियां तोड़ते चला आया? अरे वो गुंडे की बात जाए दियो तुम, वो बैल का कौन फर्क पड़ेगा? ओ लुच्ची, सब सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। क्या बदी रो रही है मेरे भाई से मोरी? चल चल अपना रास्ता पकड़। अरे रस्ते की बच्ची, खुपड़िया काट के तलगुआ में फेंक दूंगा जो मेरे भाई से लगाई बुझाई की तो। हाँ ए मुन्ना, अरे तू एक ही बात बनाना भैया, बहुत फसा दी औरत है। अरे देख, हम तो तुम्हारे लिए ये फाउंटेन लावा की खातिर बाजार गए रहे, हम तो सकल ही ना ही देखा भैया, तू तो हमारा मिजाज जानती है। हा? अरे ओ बेईमान, वो बीच रास्ता में धक्का देके कौन का बोझा गिराए रहा तू? बोझा गिराए दिया तो कौन ऐसी खराबी हो गई, कौन आफत आ गई? हाँ देखा मुन्ना, अरे इतनी सी बात का बतंगड़ बनाए के रो रही है सुसरी। ठुसुर ठुसुर ठुसुर। अरे बस रहाए दियो, रहाए दियो, तुम और हम का रुलाई हो? अरे तुम जैसन का तो हम रुलाई रुलाई के माटी सटाए दे। देखो धन्नो रानी, ज्यादा मुंह न लगो हमरे, समझी? तो दई हूँ एक लप्पड़ और जाके गिरी हो दूसरे गाँव में। अरे जाओ जाओ, बहुत हवलदारी न दिखाओ। हाँ अरे छिछोरी छिछोरी, मैं तो तेरा जिगरा देख रहा था, ले अपना लोटा थाली। सही लुच्ची की जबान देखा तो, या लुच्ची का क्या? लफंगा शैतान। तुम्हारा खून पी गई हूँ मैं, मेरे गावा पहनवान। ए मुन्ना, अरे मुन्ना देखा, अरे हमका मारिस तो मारिस तो रिपंच का लुस्कान कर दी से रे, एकदम फट्टा खलास हो गया देखा, एकदम लुस्कान कर दी से। अरे चलो चलो, अरे बतावे की बात है कि नहीं मुन्ना? हाँ चलो चलो, एकदम। अरे अपनी खोपड़ी को मारिस मार मार के मुन्ना। अरे बहुत अच्छा, मतलब कबड्डी का दंगल है। अरे ससुरी एक डायर। ससुराल से सौगात लेके नहीं आए हो जो मुझे बताओ दे रहे हो, अब इन फैसला हो गई है? फैसला तो पिछले बरस भी किए रहा हूँ। अरे वो भेड़ बकरी का कानो जवान लाओ जवान। मैं तो कहती हूँ यह बरस भी टनकपुर वाले जीतेंगे, देखो कैसे कैसे बांके जवान आए हैं। हाथ हाथ पकड़ ले कोई का बेशरम, जा हाथ पकड़ ले जा। मैं तो हाथ पकड़ लूं, पर तू जो नदिया में डूब मरेगा रे। अरे तोरे कारण तो कुत्ता भी न मरे बेगैरत, दूसरे गांव का साथ देते गद्दार। चलो चलो हम गद्दार थे, पर तुम जरा अपनी हड्डी पसली बचाई के रही हो रानी जी। तो जा डायन कहीं की भंगन। अरे छोड़ छोड़ कर, चल भी ये सब खत्म हो जाए फिर बताता हूँ तुझको। अरे फिर बताता हूँ भाई। रेडी रेडी। Oh,
Ta 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 ta
फंस गई, धीरे धीरे हौले हौले धस गई। है जिया हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं ना फंस गई, फंस गई ओ फंस गई, धीरे धीरे हौले हौले फंस गई। कसम ओ प्यारी प्यारी तोरी नैनों की डोर, जीवन मोरा फस गई, फस गई फस गई, धीरे धीरे हौले हौले फस गई। ओ बल खाए ऐसन तोरी पतली कमर, जैसे डगमग हो शराबी की नजर है। बल खाए ऐसे तोरी पतली कमर, तोरी जुल्फ में फंस गया मोरा जिया, रे नागन डस गई, ओ डस गई ओ डस गई, ओ धीरे धीरे हौले हौले डस गई। तोरा फूल सा बदन, तोरा फूल सा बदन, हो जीत लिया रूप वाली तूने मोरा मन। तोरी छबने गजब किया चोरी चोरी, रिया में बस गई, बस गई बस गई, धीरे धीरे हौले हौले बस गई। है जिया हमरा घरवा नाचे रे आज मैं ना फस गई, ओ फस गई ओ फस गई, धीरे Thank you.
रात गए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कमला। तुमसे दूर रह सकती हूँ, दुख सह सकती हूँ, लेकिन किसी और के हाथ बिक नहीं सकती। मेरी बात मानो, घर वापस चली जाओ। मैं वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आई। बहुत आसान है ये कमला, अपनी मोहब्बत में खोकर सारी दुनिया को ठुकरा देना। अपने फर्ज से मुंह मोड़ कर ये कह देना कि मुझे किसी का कुछ नहीं देना। कौन से दिल से ऐसी बातें किया करते हो जमुना? उसी दिल से जो तुमको चाहता है कमला, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जमुना, मेरा भी तो कुछ हक है आखिर। सो मरते दम तक रहेगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने लिए कुछ सोचूं, मुझे उस भाई के लिए सोचना चाहिए जिसका पसीना खून बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। मेरा रोम रोम उसका कर्जदार है कमला। जमुना, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी गरीबी और इसके सारे दुख में बांट लूंगी। मुझे वापस मत भेजो, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं कमला, संसार में सबको मनचाही चीजें नहीं मिल जाती। अच्छी और बुरी बातों का ध्यान रखने वालों को बहुत कुछ त्याग देना पड़ता है, बहुत से दुख और कुर्बानियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे नेम बहुत ऊंचे हैं जमुना, लेकिन जानबूझकर मुझे इस आग में न धकेलो, मेरा सब कुछ चल जाएगा। तो जाओ कमला, मैं भी तुम्हारे साथ इस आग में चलूंगा, लेकिन कोशिश यही करता रहूंगा कि मेरी राग भी कमजोरी या बुराई की ओर न जाए। मारो रानी, एक और धराओ, और धराओ। धर दिया, चल दो याना निकाल। दो याना सिर बैगन? अरे कमली डाल के लूट ले ना हमका। अरे तो जा, कोई फोकट का मान नहीं है। हाय हाय मोरी झांसी की रानी। ओ धन्नो रानी, नमस्ते। अबे किसना। हाँ हाँ बोलो लाला। हम देखी थे तुरका बहुत चर्बी छाई गई है, आज दुई महीना हो गवा और हमरे जूता में दूठो टाका लगावत तुरका बुखार आवत है। लाला हाँ, तुम हमका दुई जूता मार लो, पर तुमरा जूता हमसे नहीं बन सकेगा। ये का है? लो आप ही देख लो। का देख ली? लाला हाँ, इका तुम शहर ले जाओ हाँ? कोई अंग्रेजी कारीगर से ठीक कराए लो। देखो ससुर, हमसे बहुत मजाक न मारो हाँ? नहीं तो ये डंडा देखा था ना, जौन कद्दू पर पड़ी है कि ललुआ की तरह पी पी करते फिरी हो हाँ? अरे बाप, देख खबरदार, आज तू नहीं या मैं नहीं। अच्छा तो बेटा आज फैसला ही हो जाए हाँ। बहुत उपकार भैया, बहुत उपकार। राम तुम्हार भला करे, राम तुम्हार भला करे। नमक हराम की हजार बार ससुर को रोटी खिलावा, दूध पिलावा, दोनों नहीं पहचाना था, दोनों बीच में चले आवा। अरे कान से फौजदारी करके आए रहे ससुर, हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है। विद्या कसम, आज जो हरी बाबू की बंदूक लेके सारे खानदान को गाय से गोली से लौड़ा दिया तो कल्लू लाला नाम नहीं। हाँ कौन का खानदान? अरे वो है बेशरम। अरे पर कौन बेशरम? अरे वो है बेशरम,
हम कही था है कि गांव में घारी बाबू कामरान जोई ससुर ललुआ की औलाद पैदा हो गई। ललुआ? अरे काका, अरे भाई भाई के पहचान का बोला का बोला भाई भाई के नहीं हो एक लपड़ काम कर ससुर भाई बनावत है हमें हम भाई हो के टिंगल करत है अरे रो काका कार्य अरे इलो इलो तुमरी चुनौती ये तो काका से मिली रे ये हमका हुआ इसे मिली काका जौन ठिकाने तुम भूल आए रहे हो हाँ। कौन ठिकाने हाय हाय अरे मोरे काका पूछत है कौन ठिकाने अरे वो गौरी नटनिया के गौरी वो गौरी नटनिया टनकपुर वाले कुछ नहीं बेटा कल रात तो के यहाँ तक आधे पे गया था ना और कोनो बात नहीं है बेटा गोदाम की चाबी है कहा गोदाम की हम रामताल जा रहे हैं हरी बाबू के संग वहाँ फसल तैयार हो गई है और देखो इस सब जिम्मावरी तुम्हारे ऊपर है अगर एको बोरी गाय भाई बच्चू तो तुम्हें पकड़े जाइयो फिर हमसे न कहो अरे मुँह का ताकत है जाए के बोरी गिन अरे ए बिलुआ घोड़ा तैयार रख कल रामताल जा रहे है तुम्हारे बाप हरी बाबू चोर ससुर जमाने भर के अरे ओ मुनीम के बच्चे हाँ सरकार कौन से रास्ते से ले आए हो अब गांव कितनी दूर है अरे सरकार बस नीचे घाट के पल्ली तरफ अपना अमलदारी है चमके सैया की बगरिया माथे पे मुनीम तुम जाओ हम आते हैं सरकारी जंगल का मामला है यहाँ भेड़िया भालू बहुत लागे खामोश रहो और जाओ सरकार नीचे जाओ मुनीम जाइए थे सरकार Thank you.
अच्छा 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 बेटा तुम आना गांव में, छठी का दूध याद करा दूंगा मैं। अरे हे कायर नीच अभी तरह जाए से धन्नो भाग मत चोर लच्चे आ इधर आ जाए दे ये हराम घोर का खून पी ले गंगा जाए दे ये मेरी इज्जत लूटे जाग रहा बेईमान ये मेरी इज्जत लूटे जाग रहा बेईमान। अरे ना रो रे ये धन्नो चलो घर चला चल मेरे कपड़े हुआ सूखत है चल फिरा चौपट मोरा रोजगार ओ नैन लड़ जाए हैं नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी प्रेम का चुटी है पटाका तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है कोह से प्रीत लगई बा कोह से प्रीत लगई बातों बुरा का होई है प्रेम की नगरी मैं कुछ हमरा बिहक होई बेकरी प्रेम की नगरी मैं कुछ हमरा बिहक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी होई गवा मन मा मोरे तिरछी नजर का हल्ला होई गवा मन मा मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका फांस लगे तो करजवा माँ खटक होई बेकरी फांस लगे तो करजवा माँ खटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन घा आँख मिल जाए है सजनिया से तो नाचन लगी है आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है
प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिकावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बकरी। सही से सही से लिख था जादूदार के। मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादूदार के। मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादूदार के। मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादूदार के। अरे का खी खी करत हो सब, ये शर्म चल धन में। अरे बोलो मेरे भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल जल्दी कर गाड़ी छुटने वाली। राम जय राम राम मुन्ना, मैं याद से तेरे को अगले महीने रुपया भेज दी हूँ, फिक्र न करना। अच्छा 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 अच्छा, और चिट्ठी जरूर डाल देना। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर डालूंगा। अच्छा अच्छा, नहीं दादा तुम मत दौड़ो। अच्छा अच्छा, नमस्ते। अच्छा नमस्ते। और साहर मा करो सारे से धास न खाई हो, मैं जिंदा हूँ रे मुन्ना। अरे बड़ी आफत आ गई है बेटा, कुटसुर हरिराम थाने से अपने बाप को बुला लावा है। अरे पुलिस दरोगा सबाई के तहकीकात कर रहे हैं। अरे काय की तहकीकात लाला? अरे वो हराम खोर का नाम चोरी में लिखा दी से मास्टर। क्या हुआ भाई क्या हुआ? अरे का हुआ लाला बताओ तो। अरे होना का है, तुम आओ चाचा मेरे साथ, जरा मेरे सामने तो बात करे हराम खोर। गोदाम के ताले की चाबी तुम्हारे पास रही? हाँ साहब, चाबी तो हमरे कब्जे में रही। तो बेटा अंदर से 40 बोरियां गेहूं की कहाँ गई? किधर बेची चुरा के हैं? ए हरी बाबू, ज्यादा साहूकारी न जताओ समझे। तुम्हारी कसम है दरोगा जी, गांव भरे में सवेरे सवेरे का कोई नाम नहीं लेते है, सब झूठ बात है। नाम कोई बोरी चुरावा, नाम कुछ बेचा। तो ताला तुम्हारे चाचा ने खोला? इंस्पेक्टर साहब, इस बेकार की जिरा बहस से कोई फायदा नहीं। मौके की शहादत मौजूद है, परनवा से पूछ लीजिए। ये परनवा, क्या देखा तुमने? साहब उधर पुलिया की पल्ली तरफ गंगा कौनो आदमी से पैसे लेत रहा, और पासे ठेला में गल्ले की बोरी धरी रही। क्यों बिलवा? हाँ साहब हाँ, हाँ साहब हाँ। और हाँ बाके, तूने भी तो देखा था, तू बोल क्या देखा था तूने? अरे हजूर, कल ये खूब भंग पिए रात डट के, और 10-10 की लोड दिखा के हरिराम बाबू की जय 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 करत रहा। अरे हम हरि बाबू की जय जय करत रहे, और तोरा बाप प्रसाद बांटत रहा। दरोगा जी,
ये हराम खोर कपटी हमसे दुश्मनी निकाल रहा है दरोगा जी। ये हमका चोर कहा था? अरे चोर तो ये खुद ही है सारा। सबान संभाल कर बात कर, चोर उचक के कहीं के? चोर उचक का तेरा बाप। खबरदार अगर मुझसे लफ निकाला। दुश्मनी निकाल रहा है। नहीं बोल, ये सब झूठ बोल। चलो रे, पागल हो गया जाओ। झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे सीता प्रसाद और शफी खान थे। बाकी की रिपोर्ट पुलिस चार्ज में दर्ज है। योर वर्शिप, मुल्जिम एक मजदूर पेशा आदमी है और उसकी कोई जाती जमीन नहीं है, इसलिए ये गल्ले की बोरियां मुल्जिम की अपनी मिल्कियत थी, इसका कोई इम्कान नहीं। गवाह नंबर दो की शहादत मुल्जिम के जुर्म की पहली कड़ी है। इससे साबित होता है कि गोदाम की चाबियां मुल्जिम गंगा को दी गई। मुल्जिम ने जुर्म का मौका पाया और मौका पाते ही गोदाम से 40 बोरियां चुराई। योर वर्शिप, पुलिस की तफ्तीश और गवाहों के बयानात से मुल्जिम पर दोनों जुर्म साबित हो चुके हैं। मुल्जिम ने गोदाम की चाबियां ली, गल्ला चुराया और चुराकर बेचा। तफ्तीश और गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डाली और दंगा फसाद किया। ये दोनों जुर्म मुताबिक दफा 380 और 353 IPC सजा के मुस्तहक है। प्लीज योर वर्शिप। मुल्जिम गंगाराम, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना हो तो कह सकते हो, अदालत इजाजत देती है। साहेब, हरि बाबू साहूकार आदमी है, ये बहुत बड़े आदमी है साहेब। हम चोर हैं, हम चोरी किया है साहेब, हम दंगा फसाद किया है साहेब, बराबर हम दंगा फसाद किया है। आप लोग हमरे भगवान हो साहेब, आपका जो मन में आए हमका सजाते हो, दो हमका सजा जो मन में आए। मुल्जिम गंगाराम, तुमको दफा 380 ताजी रात हिंद गोदाम से बोरियां चुराने के जुर्म में 3 महीना कैद सख्त की सजा दी जाती है और जेर दफा 353 ताजी रात हिंद गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को रोकने और लड़ने झगड़ने के जुर्म में 6 महीना कैद सख्त की सजा दी जाती है। ये दोनों सजाएं एक साथ शुरू होंगी। Thank you.
सुख चैन भी जीवन भी मोरा छीन लिया, पापी संसार ने साजन भी मोरा छीन लिया। पिया बिन तर्प जिया रतियां बिताऊं कैसे, विरह की अग्नि को असुवन से बुझाऊं कैसे। जिया मोरा मुश्किल में पड़ गयो रे, गजब भयो देता हूं। जमुना को मेरे जेल जाने की खबर बिल्कुल मत देना, समझे? अच्छा तो है ना वो? हाँ, पर बेटा भाई है तेरा, भाई को बताने में क्या हर्ज? भाई जान के का कर लेगा मास्टर साहब, का कर लेगा? पढ़ लिख रहा है ना, सो उससे भी जाएगा। अब मैं तुझसे क्या कहूं बेटा? कहने की कोनो जरूरत नहीं है मास्टर, बस पिता करो जब तक मैं ना हूं ना, उसका जरा ध्यान रखना तुम। अच्छा अच्छा मैं चाहता हूं। मैं क्या करूं जमुना जी, आप मेरे फ्रेंड हैं, लेकिन मेरा भी तो नौकरी का मामला है आफ्टर ऑल। और फिर इतना कराया तो सेठ जी ने कभी अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। भाई गौर, आपके भाई ने भी टू मच कर दिया है आपको, शहर में भिजकर एकदम गायब हो गया, ना खत ना चिट्ठी ना पत्ती ना रुपया ना कुछ कुछ कुछ। बट जी मुझे रियली बहुत फील हो रहा है। माफ कीजिएगा, रूल है मैं क्या कर सकता हूँ, पर इससे भी क्या मिलेगा, 10 दिन का किराया भी नहीं निकलेगा।
ये लीजिए अपना हार मिसेस सक्सेना। और यहां दस्तखत कर दीजिए। घाली तुम कर दो, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। सुपरिटेंडेंट साहब आप हमारे यहाँ चाय पर आइए ना। शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीता। अच्छा तो थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया का हकदार तो ये नौजवान है जिसकी ईमानदारी से आपको अपना हार मिल गया। अरे तुम, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। ये लो तुम्हारी बख्शिश, लो लो। शुक्रिया, मैंने महज अपना फर्ज अदा किया। अच्छा थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। क्या नाम है तुम्हारा? जमुना। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? कोई नौकरी मिल सकेगी? मैं बहुत तकलीफ में। गंगाराम, तुम रिहा किए जाते हो, तुम्हारी कैद की मुद्दत आज खत्म होती है।
चल उठ। कैसी है तू? तू कैसा है? अरे अपने को तो सरकारी खाना बहुत तंग लगा है, जरा देख देखा। मैं सोची थी कहीं बदल न गया है तू। कौन मैं? हाँ। अरे छोकरी, कबूतरी इस खोपड़ी में कौनो ठिकाने की बात भी आई है? हाँ, सो बात भी ठीक है। अरे ये छोकरी तो एकदम गैया हो गई। अरे काहे रोते री? लो जो उनकी खातिर रोत रही सो वो पूछते है काहे रोत है। ये हो तमाशा है कि नहीं? अरे तोरी खातिर बहुत भारी खटापटी हो गई एक दिन। काहे? एक दिन हम बहुत लंबा चौड़ा सपना देखा रहा, देखा कि जाने कौन बात पे तेरी मेरी को झिकझिक हो गई। और हमारे गुस्से में आए कि ना किचकिचाए कि एक रेपटा धर दिया तेरे और तू दाएं से इतनी दूर जाके गिरी। हाँ सपने में भी दुश्मनी जमाए रहे हो बराबर। हाँ अरे नहीं नहीं, पर तू असल बात तो सुन धन्नो। इतने का देखा कि हुआ सामने से माँ आए गई। माँ? हाँ सो हम देख के अजब हो गए और हम कहा कि हे माँ, अरे तू तो मर गई रही, तू यहाँ कैसे आए गई? तो जैसे उनकी आदत रही ना वैसे उंगली दिखाई के कहने लगी के ए गंगुआ, ए गंगुआ के बच्चे, खबरदार जो मोरी धन्नो पे कबू हाथ उठाया तो मोरी धन्नो। हाँ और फिर कहा कि इसे जानत है ऐसे जाए कि न तोरा हाथ लीस है और लाइक के खट से मोरे हाथ में धर दीस। धन्नो ए धन्नो। हाँ फिर बस फिर पड़ दई आंख खुल गई और हम बैठ के सोचे ला गए। मुन्ना का भी ध्यान आया, वैसे तो बेनी पंडित आते थे कहते थे सब फर्स्ट क्लास है, पर मोरे मन में खटापटी बरोबर लगी रहती थी। कैसा है, ठीक तो है ना मोरा भाई? मोरा मुन्ना ठीक है ना? गंगा तू पहले घर चल। मोरा भाई कैसा है तनु? मोरा भाई कैसा है? तोरा भाई बहुत तकलीफ में है गंगा। तकलीफ में है? हाँ ये बेनी पंडित हमका झूठ कहत रहा, हमका झूठ बोलत रहा, हमका सब झूठ बोलत रहा। टेम तो आफत आई है, एकदम मैं अटक गवा है ससुर। अरे बाबूजी अब जाए दो, गुस्सा थूक दो, ये बंदूक का घोड़ा तुमसे न बनी है, अब एकर पिंड छोड़ दो, समझे हो? मैं उस लौंडे को इस बदतमीजी का मजा अच्छी तरह से चखाऊंगा, जेल जाकर भी उसकी तबीयत ठिकाने नहीं आई ना। अरे जेहल का तो ओके बिल्कुल है दुख नहीं है बाबूजी, वो तो जो तुम्हारी वजह से ओके जमुना की खस्ता खराबी हो गई रही ना, वही कारण बहुत हिनहिना गया है छोकरा। और जब हम कहा बाबूजी कि देख गंगा हम गरीब लोग आफत मुसीबत सब ऊपर से लिखाए के लावत है, तो भैया तो के जो गाड़ी गुफ्तारी देवे को हो तो ऊपर वाले के दे, हमारे हरिबाबू का नाम का है खराब करत है। फिर वो क्या बोला? क्या बोला? अरे वो बेशरम तो फलाने का फलाना शुरू कर दीस बाबूजी, तुम्हारे दादा मामा मौसी चाची एक एक कह के सबका गिनदारिस बीस बाजार में।
और तुम सुनते रहे। ऐसा कहीं हो सकते बाबूजी, हम चट्टे कान में अंगुरी डाल दी हकस के, हम कहा बकायदे ससुर को सुनत के। पको मत जी। अब हमरे बकाए के फिकर छोड़ दो बाबूजी। तुम्हारी कसम बाबूजी, मारे गुस्सा क्योंकि आंख में खून है, खून जोश मारत रहा। ऐसा मालूम पड़त रहा कि जैसे ससुर छाती चीर के तलेजा खा जाए। मानो न मानो बाबूजी, पर एक बात है। क्या बात है? ये गरीब लोगन की खोपड़ी जब फिर जाए ना बाबूजी, तब जान लेओ कि खतरे का टेम आए गवा है। का कर गुजरे कौनो भरोसा नहीं। कौन है बाबूजी? बाबूजी मुनीर, मुनीर। हाँ भाई, रोशनी क्यों नहीं करते हो? क्या मुसीबत? चला रहा, चला रहा, चला ना। हाँ चीज़। कौन है? कौन है? सुनी माँ सब। मेरे भाई के जीवन का तुम नाश किए हो बाबूजी। वो बेचारा भूखा मर रहा है, उसके बदन में कपड़ा नहीं है बाबूजी। लो की चिट्ठी पढ़ो, उसकी चिट्ठी पढ़ो बाबूजी, उसकी चिट्ठी पढ़ो। तुम तो मैं क्या करूं? हमको पैसा चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है बाबूजी। युति जौरी की कोई चाबी निकालो। चाबी पास चाबी नहीं है मेरे पास। मेरे कानूनी काम ना हो बेटा, जो पूछो इनके हाथ से ले बेटा, मांग के ले। खराब है बाबूजी, घोड़ा अच्छा वाला झुके मेहनत कर बाबूजी। हम कह दिया। अरे बेटा हमारी बात तो समझ। अरे बात मान ले बेटा, हम कह दिया कि बंदूक खराब है, झूठा है, हाथा पाई करत है। अरे जाए बेटा, कैसे बात हो? अरे भाई होना हो जरूर इसी रास्ते से गंगा इन पहाड़ियों में गया होगा। हवलदार नायक चलो आओ। ए चलो, चलो।
गोपाल, ये बिलवा आओ ले जाओ मुझे, आओ ले जाओ। अरे राम कसम, ये सब कुत्ते की तरह मेरा पीछा किए हैं धन्नो। मैं भूखों मर गया धन्नो, मैं भूखों मर गया, मैं घर से बेघर हो गया धन्नो, मैं घर से बेघर हो गया। सब ठीक हो जाएगा, न रो गग्गा, न रो, न रो। तू कहाँ से आ रहे? अरे तू काहे को अपनी कमबख्ती बुला रहा है बेटा? यहाँ आवे की कौन जरूरत है? कौन जरूरत है? खाने को कुछ नहीं दे काका, दाना लेने आया हूँ। हे बेटा, तो भगवान के पास गोदाम भरा है जो उनको लेवक को लेके भाग गया से। अरे तू ससुर लोग मुंह का देख रहे, कोनो हराम खोर देख लेंगे तो जोखिम में जान पड़ जाए। बेटा ससुर हरी राम तुम्हारे जान के पीछे पड़ा है, ये सब तुम्हें जोड़ीदार है का? एक से एक गिलेंडर दिखाते कार। अरे ससुर, कबहु जिंदगी में घोड़ा के ऊपर बैठे हो? काठी उहरिया धरी है उहरिया। चलो रे बांके, उठा जल्दी। हाँ उठाओ जल्दी, उठाओ। अरे या नहीं भैया, गर्दन पर से घुमाए के बांध, जरा पक्का काम कर, पक्का काम कर। डकैती करे चले, डाकू बने हैं, डाकू बन। अरे अरे ए गंगा, ये क्या कर रहा है रे ससुर? अरे भाग ससुर, कह तो दिया कि हरिराम की औलाद तुम्हारे जान के पीछे पड़ा है। इस सब गैर कानूनी बात है बेटा, सब गैर कानूनी बात है। राम राम काका। अरे गोपाल, अरे बिलवा तो जल्दी। उन्नीस को आपके गोदाम से गल्ला और घोड़े ले गया, 23 को बस्तर के ठाकुर साहब की बंदूकें और बर्तन, और उधर 27 को जनकपुर के महाजन भग्गूमल का घर लूट लिया। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम क्या? पानी सर से बहुत ऊंचा हो चुका है इंस्पेक्टर साहब। पानी तो कहां ऊंचा होगा बाबूजी, मुदा जान पड़त है कि अपनी नैया में ही छेद हो गवा है। बहुत खुश दिखाई देते हो मुनीम जी। जी तुम्हारा मतलब क्या है? अरे साहेब, होए न होए चकल्लस में सरकार का कौनो हाथ जरूर। टको मत, अकड़ियां पड़ जाएंगी मुनीम जी। जी सठिया गए हो क्या? तो मैं पूछूं इंस्पेक्टर साहेब, वो भागा तो अकेले रहा, ये फौज कहां से आ गई उसके संग? मेरा ख्याल है कि वो सोनू के ग्रोह के आदमी थे। लेकिन वो डाकू तो गोगरा घाट की डकैती में मारा गया था इंस्पेक्टर साहब। मगर उनकी टोली के आदमी इधर की पहाड़ियों में भाग निकले थे। बड़ा खटापटी का जमाना आ गया है साहब, एक पल में राजा लोग तो चक्की पीसे लागे, और हमारे देखत देखत कितने चोर ससुर साहूकार बन गए। भगवान की लीला है।
चलो एक तो अच्छी खबर आई। अरे मेरा मन तो पहले ही बोल रहा था कोनो दूसरा डकैती पड़ी का। बको मत। क्या बात है थानेदार साहब? वो हल्द्वानी और लखनपुर से जो रुपया गंगा ने अपने भाई के नाम भेजा था वो वापस डाकखाने में लौटाया है, जमुना शहर के पते पर है ही नहीं। ले जौने भाई के खातिर गाड़ी भर पाप मोल लीन, हजारन धतकरम कीन, वो भाई को पैसा नहीं मिला। ये है न सोला आने घाटे की बात। मुनीम बाहर जाओ। जी निकल जाओ बाहर उल्लू के पट्टे। ले ये सुनो, ले वो सुनो। क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया? गंगा के आदमी महंत जी को उठाए ले गए। महंत को? गंगा, अरे ओ गंगा, एक पर एक करम कंडी जी आ गए हैं। पाए लागी महाराज, पाए लागी। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। अरे घबराओ नहीं, तनी दम ले ले, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे कैसे बैठ जाऊं बेटा? पहले इतना बताए दो कि तुम हमका यहाँ काहे पकड़ कर बुलाए हो? अरे हम तो आप ही भीख मांगे हैं। ले ओ, अरे यही कारण तो हम तुमका बुलावा है महाराज, कि तुमको जो खर्चा पानी की कोनो तंगी हो तो हम बरोबर कर दें। ना 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 ना, इतने समय तिलकी न करो बेटा। अरे नहीं तुम्हारी कसम महाराज, खर्चा पानी सब तैयार है, और तुम एक काम करो। हाँ बैठो। हाँ। मन जी झटपट हाँ। हमरा लगन कराए दो तुम। लगन? अरे ये तो हमारा काम ही है, जल्दी से दुल्हन बुला लो। हाँ। किसकी बिटिया है? अपनी बिटिया समझो। हाँ अपनी धन्नो है। धन्नो? धन्नो? हाँ। ना बेटा ना, बुढ़ापे में मुझसे ये पाप न करा। बेटा देख हाँ। मैं जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ कि ये लगन नहीं हो सकेगा, तेरी जात उससे ऊंची है। हाँ मेरी जात ऊंची है। हाँ ऊंची है तेरी जात महान। जब ऊंची जात वाले की वो लोग गत बना रहे थे ना, उतने समय तुम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे तुम? धन्ना, अरे ओ धन्ना, का है रे? अरे सुन तो महाराज का कह रहे हैं। का कह रहे हैं? कह रहे हैं तेरा मेरा लगन नहीं हो सकता। अरे जा पाई लगी महाराज। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। अरे ई का ढोंग हो रहा है महाराज, जीती रहो बिटिया, जीती रहो। असल बात बताओ ना। का बात है रे? धन्नो ये भगवान के महामंत्री कह रहे हैं कि तेरा और मेरा लगन नहीं हो सकता। हाँ हाँ पूछ ले, पूछ ले। सच महाराज? बेटी मुझ में कोई खोट है का? हाँ भारी खोट है। तूने बुरे समय साथ दिया था ना सोही। सुनो महाराज, जब हमारी कुत्ते की सी दशा होगी रही ना, और जब भूखे पेट हम जंगल में मारे मारे फिरे, चल चल के हमारे पैरों में छाले पड़ गए थे, उतने समय हमारे सर पे हाथ धरे के कोनो नहीं आया, ही आई थी और तुम्हारे सामने खड़ी है, देख लो। उस दिन हम एक एक कांधे पर सर रख के रोए थे, हम एक एक कांधे पर सर रख के रोए थे। तो पूछो का है? अरे पूछो का है बेटा, का है? वो यूं के हमारी माँ एक दिन हमारे सपने में आके एक हाथ हमारे हाथ में दे गई रही, और माँ की बात मानना हमारा धर्म है, सो वो पूरी होगी, और जो भी उसमें टांग अड़ाएगा उस ससुरे की टांग तोड़ दूंगा मैं, समझे? अब जाओ सीधे सीधे लगन की तैयारी करो। अच्छा जा तू काम करो। जा तू। Thank you.
इंसानियत के इसी ऊंचे धर्म की हिफाजत और सेवा के लिए कानून बनाया गया है। कानून वो जंजीर है जो इंसान को इस धर्म के तोड़ने से रोकती है, वरना अपनी मनमानी में आकर वो उन्हीं वहशी दरिंदों से जा मिलेगा जिन्हें छोड़कर आज वो इस मंजिल तक पहुंचा है। ये एक बड़ी महान और मुश्किल जिम्मेदारी है जबना, लेकिन इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा करना हमारा पहला और आखिरी फर्ज है। मैंने तुम्हारी तरफ इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि तुमने भी अपने बुरे और मुश्किल वक्त में ईमानदारी का दामन अपने हार से नहीं जाने दिया। सच्चाई के इस रास्ते पर तुम्हारे और बहुत से इम्तिहान होंगे जमुना, कभी दौलत आड़े आएगी, कभी गरीबी, कभी दुश्मन तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, कभी तुम्हारे अपने ही अजीज दोस्त। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त भी तुम्हारे कदम नहीं टकबकाएंगे, तुम सबको बराबर समझोगे और अपने धर्म से अपना मुंह कभी नहीं मोड़ोगे। मैं आपके इस भरोसे को मरते दम तक कायम रखूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे पूरा विश्वास है। गोगरा घाट और टनकपुर के इलाकों से फौरी मदद मांगी गई है, इसलिए स्पेशल पुलिस के साथ तुम्हें हरिपुर थाने का इंचार्ज बनाकर भेजा जा रहा है। ये लो अपने कागजात। हरिपुर? हाँ, परसों सुबह 9 बजे पहुंचकर चार्ज ले लेना। गंगा दर्द है रे का?
फिकर गवा सारा फिकर गवा रहे। अब कैसा है रे गंगा? ठीक है यार, कह रहा हूँ ससुरी से के निकार 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 तक आता छटक जात है उल्लू की पट्टी। ए धन्नो तोरे खून निकल आया रे। ए धन्नो ए कहाँ जात है रे? ए धन्नो अरे हाँ औरत जात का कहनो भरोसा नहीं है भैया। अरे एक जमाना रहा कि जब तक हमें का पांच सात रहपटा धर के जमाई न दे का खाना हजम नहीं होता था बरोबर। और अब जरा देखो क्या न खड़ा है। जा रे जा, चुप चुप, ज्यादा टटर मत कर। औरत पे हाथ उठात है बेशरम। फिर और का सब ठीक तो कहां है? ए धन्ना ले देखो तमाशा, तो जब से लगन हो गया तो छोकरी का मिजाज ही नहीं मिलत है। हम तो शादी कराए के फंस गए भैया, हमारी तो आफत बुलाई दी सही औरत। अरे हो दुलनिया हजूर, हमका माफी दे दो। अरे हम कहा ना, ये गंगुआ ससुर एकदम फटीचर आदमी है, एक ही बात का बुरा माने का कौनो फायदा नहीं है रानी। बैठना है तो चिपके बैठो, ज्यादा चिपड़ चिपड़ ना करो। अरे हम तो ठकुराइन के नौकर है, नौकर ठकुराइन कहा के चुप, तो हम हाँ कहा के चुप। झूठा, छोड़ मेरा हाथ। का है? अरे हमरी दुल्हनिया का हाथ है, कोनो ऐरी गैरी का तो नहीं है। दुल्हनिया का हाथ है, मारे हो सबके सामने चल। अरे हुजूर, ये साहेब जी हमका माफी दे दो, माफी दे दो। गारी देत है बैठ। अरे का हुआ गंगा, का हुआ रे, का हुआ? अरे इतने समय हमरे मन में बहुत प्रेम आ गया, अरे तोरे ऊपर बहुत प्रेम आ गया। अरे जन्म मान जा, ना मानी, मान जा, ना मानी, मान जा, मानू रे बतिया, ना मानू रे पिया, मन में तो रे था।
ही हुए हैं, जैसे ये चमकत है चंद्रमा। कौन ऐसी हुई है? मोरा छोटा गंगवा। छोटा गंगवा? अरे अरे तू तो बहुत चोर है री। अरे पहले काहे ना ही बोला था ना। अरे बाप रे बाप, ये मुर्द बेघर लग रही है धनु। मुसीबत तो हमरी हुए है साहेब, तुमरा का जय है। लो, अरे आखे बाप हूँ के ना आई। बाप नहीं तो का चाची ममानी हो। अरे धुत, ये भी कोई हंसी ठट्ठा करने का कोनो टाइम है? प्राणनाथ का सोचत है? ये डकैती बाजी का खराब धंधा हम आज से एकदम छोड़ दिया धन। चुके बोल, अपने बच्चे की कसम खा। तेरी कसम धनु, तेरे बच्चे की कसम। इतने वक्त जने अपना मुन्ना भी हम लोगों के बिस्तराए के कहां बैठ गया है। हाँ, अपना मुन्ना आई जाए तो सच्ची हम उनके साथ गांव चले जाए, और मैं सब लोगन बागन से हाथ जोड़कर बोलूं कि बाबा दादा हमरे गंगा से भूल होगी, हमका माफ कर दे। भगवान हम जैसे पापी की तो ना ही सुनिए। तू बोल इतने में फुर्सत ना हुई है, बोल बोल धन। हे भगवान, तुम सबका बहुत कुछ दे दो, हमें भी दे डालो। देखो हम तुमको ना ही भूले, तुम हमको ना भूला। हम गरीब लोगन का माफी दे दियो मालिक, हमरा गांव हमरा घर हमका वापस दे दियो, हमरा बुन्ना का वापस दे दियो। इतनी विनती सुन लियो प्रभु। ए धन्नो, अरे देख रही भगवान सुन ली धन्नो। गंगा,
चल गांव। अरे ए धन्नो, का तोरी अक्कल मारी गई है, मत जाना गंगा। अरे बस रहाय देव, तुम ही सब उल्टी पट्टी पढ़ाई के हमरे मर्द का एकदम खराब कर दिए हो, और अब जो सुधरे का टेम आवा है तो कहत हो मत जाओ गंगा। अरे वो सरकारी इंस्पेक्टर हो की आवा है सरकारी इंस्पेक्टर। हाय हाय, डराओ ना डराओ, तुम डराओ। अरे इंस्पेक्टर हो है वो तुम्हारे लिए, हमरा तो छटका देवर है और हम है वो की भोजाई। जाना तो चल रहे गंगा। अरे हम तो तैयार ही खड़े हैं, इंस्पेक्टर की भौजाई के कौन ना ही बोल सकत है, है अमरीका सामत आई है। चलो दिरा दिरे गोरी, आज भया रे गोरी हमरा गवनवा, गंगा से जमुना का होई बे मिलनवा, नीले गगनवा की छाव। चल चल री गोरिया पी की नगरिया, ओ चल चल री गोरिया पी की नगरिया, ओ नदिया किनारे मोरा गाँव, ओ नदिया किनारे मोरा गाँव, ओ चल चल री गोरिया पी की नगरिया। अरे अरे ये तो अपना मुन्ना है धन्नो। हाँ? ये तो अपना मुन्ना है, मुन्ना तेरे बिना मोरी बहुत खराबी हो गई रही मुन्ना, मैं घर से बेघर हो गया मुन्ना, मैं घर से बेघर हो गया भाई, शहर में रहा मुन्ना, सब बदमाश मिलके आग लगाए दिन तेरे दादा के जीवन। मैं जानता हूँ दादा, मैं सब जानता हूँ, पर तू ना रो मरे भैया, हम एक एक की ऐसी मरम्मत किया ना कि दुहाई बोल गए, लेकिन मुन्ना अब छाती में दम नहीं है भैया, मुझे किसी तरह घर ले जाओ, मैं सब गांव वालों के पैर पर सर रख के माफी मांग ले, पर मुझे किसी तरह घर ले चल भाई। मेरे मन में था कि मैं मरते दम तक तुम्हारी सेवा करूंगा, लेकिन तुमने मेरे हाथ काट दिए दादा। ना जमना, ऐसा मत बोल, अरे हम तो बड़ी आस लेके आए रहे तेरे पास, तू अपने दादा का माफी न दे तो और कौन दे भैया। अरे मोरे भाग्य ही खराब है भैया, तू ऐसे समझ के मोरा हाथ पकड़ ले। ये मेरी बदनसीबी नहीं तो क्या है दादा, तुम मुझसे मदद मांगते हो, लेकिन मेरी झोली में तुम्हारे लिए दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। और कौनो रास्ता नहीं है मुन्ना? सिर्फ एक रास्ता है, तो ले चलना मुझे वही रास्ते की ओर भैया, मुझे ले चलना वो रास्ते की ओर, मैं तो जाए को राजी हूं। तो एक भाई के नाते मेरी विनती है दादा, अपने आप को इंसाफ और कानून के हवाले कर दो। वो लोग तेरे भैया के खातिर में हथकड़े पहनाए थे जमना। इंसाफ और ईमानदारी के रास्ते पर लोगों ने इससे भी ज्यादा दुख सहे हैं धन्नो। हाँ, तो उन दुखियारों की बीवी बच्चन से जाए के पूछो कि उनके ऊपर का गुजरे। अच्छे भाई हो तुम, बहुत अच्छे भाई हो तुम, देख लिया। चल गंगा, चल नहीं। चल गंगा नहीं। नहीं। Thank you.
जाएगी। मैं राजी हूँ, मैं कहता हूँ मैं राजी हूँ। मैं तेरे पाँव पड़ दू गंगा, मैं तेरे पाँव पड़ दू मैं तेरे संग यही जंगल में जिंदगी भर भटकाई कर राजी हूँ गंगा। ऐसा गाँव ऐसा घर हम करना ही चाहिए तो कमोरी कसम, मेरे बच्चे की कसम गंगा, मेरे बच्चे की कसम। हम जात है मुन्ना, हम जात हैं। चलो दादा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ दादा, मैं तुम्हें इस बुराई की ओर नहीं जाने दूंगा। ठहर जा रे साहेब, कदम आगे न बढ़ाना।
तो ब्याह शादी का मामला है गंगा, सब कुछ धरा धराया ही मिल जाएगा। कम से कम 5-7 शेर तो खाली सोने के जेवर ही होंगे भैये। अरे एक ही झटके में पार समझो दोस्त। सब चकाचक है गुरु, बारात निकलने से पहले ही सब उठा लाएंगे। कुछ नहीं चाहिए समझे, कह दिया सो कह दिया, कुछ नहीं चाहिए। तो का संन्यास ले लिया है? ए भैया, तुम लोगन की बातों में आने का नतीजा देख लिया। तुम्हारे कारण दुनिया भर हम पे थू थू कर दे, और हम अपना घर बार, अपना गांव, अपने भाई के छोड़कर जंगल में मारे मारे घूमे। कान खोल के सुन ले भैया, हमने तो ये खराब धंधा छोड़ दिया, इससे बिल्कुल छोड़ दिया। यू काय नहीं कहा था कि मर्दूमी खत्म हो गई? ए भैया, कौनो माई का लाल गंगा से ऐसी बात नहीं कह सकते समझा। हम कहा था? अरे ये लोग कह रहे हैं कि कमला का लगन हो रहा है। भागे खराब है बेचारी की। बहुत स्नेह रहा ना मुन्ना से उनका? हाँ बहुत। Thank you.
कमला जी, लगन का तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? बताओ हमका, ये लगन का तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? कमला जी बोलो, हमका ये लगन तुम्हारी मर्जी से हो रहा है का? ए गंगा, पराई बेटी के मामले में मत बोल, इस बखा सारा गांव मेरे घर पर है। हाँ, ज्यादा मुजोरी मत दिखा। सुनो ए जमींदार जी, हम कमला जी के ही, है कि मर्जी के बिना एक लगन नहीं हो सकता। हम बोल दिया बस। चलो कमला। अरे बचाओ रे, अरे मानते हो कि तुम्हें कमला से बहुत लगाव रहा है? जो मरते दम तक रहेगा। उसमें यह भी कहते हो क्या? उसकी शादी के मौके पर तुम्हारे भाई ने जो हरकत की है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं? जी नहीं। गांव वालों ने तुम्हारे खिलाफ जो शिकायत की थी, मैं उसे गलत और बेबुनियाद समझता था। लेकिन जमुना, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी ईमानदारी पर आज मेरे दिल में भी शक पैदा हो गया है। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे भाई ने क्या किया? कानून की नजरों में मेरे भाई ने एक और जुर्म किया है। ये सिर्फ जुर्म ही नहीं, कानून इंसाफ के ऊपर एक तमाचा है, और मैं इस कानून शिकली को जल्द से निकाल फेंकूंगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें कुछ अपने फर्ज का भी ख्याल है, या भाई की मोहब्बत ने तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जमीर को अंधा कर दिया है? इंसाफ और ईमानदारी के रास्ते पर मैंने अपने भाई की मोहब्बत का गला घोंट दिया। उसकी हालत पर मैं खून के आंसू रोया, लेकिन फर्ज और सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ओहदे की जिम्मेदारियों का तकाजा क्या है? बता सकते हो कि एक अफसर, एक इंसान की हैसियत से तुम्हारा फर्ज क्या है? हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा फर्ज है कि अपने खून के रिश्ते को भुला दूं। मेरा फर्ज है कि मुजरिम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूं। देख मुन्ना, अब भलमनसी इसी में है कि तुम ही से लगन कर लियो। देखो, एक और दुख ना दे भैया, एक और दुख ना दे, पर बहुत जुल्म हुआ है। देख कितनी निराशा, देख। ये तुम्हारा भाई गंगा है जी, और ये कमला है जी। हाँ, तुम्हें एक जरा समझाओ साहिब, ये दोनों का आपस में इतना प्रेम रहा, और वो बदमाश लोग एक कोनो दूसरे के संग बांध रहे हैं। देखो कितना रोई रही है बेचारी। कमला को तुम जमुना के कहने से यहाँ लाए? अरे नहीं साहेब, यूं मेरा भाई तो शुरू से कायदा कानून बांधे घूमे था। गंगा, तुमको अपने भाई से मोहब्बत है? अरे साहेब, मुन्ना की खातिर तो मैं जान दे रही हूँ सच्ची, और तुम इसे सुखी भी देखना चाहते हो? बरोबर हमें। तुम झूठ बोलते हो, तुमने अपने भाई को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये एकदम झूठ बात है। ये ठीक बात है, तुमने उसके दिल में सच्चाई का बीज बोकर उसकी जड़ों में अपने पाप का जहर उंडेल दिया, उसको नेकी के रास्ते पर लगाकर उसकी राह में अपने गुनाहों के अंगार बिछा दिया। तुम कहते हो मैं जमुना का भाई, मैं कहता हूं तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो, उसके माथे पर कलंक का निशान। बरोबर बात है साहब, मुदम मैं ऐसा लुच्चा आदमी ना ही हूं। पूछ ले बस्ती में जाए कि हम अपनी मेहनत मजूरी का खाए रहे थे, वो हरी राम हमका खामा खाए के फसाई दिया साहब। पाप कभी पापी का पीछा नहीं छोड़ता गंगा, अगर हरी बाबू ने कोई अत्याचार किया है तो उसके बराबर की सजा भी जरूर पाएंगे।
और रहे तुम, तुमको भी अपनी हर भूल हर गुनाह की कीमत अपनी गर्दन से चुकानी पड़ेगी। साहेब, हम बहुत जुल्म उठाया है साहेब। और उस एक जुल्म की नींव पर तुमने गुनाहों का एक मंदिर खड़ा कर लिया। कुदरत के ऊंचे कानून को अपने नीच हाथों में लेकर उन बेगुनाहों को लूटा मारा जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। बताओ क्या अधिकार था तुमको इसका, बताओ क्या अधिकार था? नहीं साहब, कौनो अधिकार नहीं रहा, कौनो अधिकार नहीं रहा साहब। इस दुनिया में तुम जैसे भाई बहनों वाले लाखों इंसान हैं, उन पर भी जुल्म हुए, उन पर भी मुश्किलें और मुसीबतें आई। लेकिन अगर मुसीबतों से तंग आकर हर कोई तुम्हारी तरह लूटमार शुरू करते तो इस संसार में क्या बाकी रह जाएगा? नदानी हो गई साहब, हमसे भारी भूल हो गई, हमको माफी दे दो, हमको माफी दे दो साहब। गंगा, हम तुमको न कोई सजा दे सकते और न हमारे पास तुम्हें माफ कर देने का कोई अधिकार है। साहेब, हम अपने बीवी बच्चे की कसम खाके कहते हैं, हम मुन्ना की कसम लेके कहते हैं, अब कबू कोनो अपराध न करिए, हमको माफी दे दे। कानून की आंख में ममता के आंसू नहीं आते गंगा। हर मुजरिम को इंसाफ की चौकट पर खड़ा कर देना हमारा फर्ज है। आगे अदालत का इंसाफ और तुम्हारी किस्मत। जमुना, अगर तुम में सच्चाई और शराफत का खून है तो एक कानून के अफसर की हैसियत से अपना फर्ज पूरा करो। कराई दी हो का दोस्ती निभाई दी हो गद्दार। अरे वो आप ही कुआमा फान गवा तो हम क्या करें? अरे ये धन्ना, अरे कहा जा तेरी सामने। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने गंगा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाई, अदालत में उसके खिलाफ झूठा मुकदमा खड़ा किया और रुपए देकर उसके खिलाफ झूठी गवाहियां दिलवाई, ये जुर्म नहीं तो और क्या है? नहीं साहब नहीं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। और फिर इसका आपके पास सबूत क्या है? सबूत तुम्हारे उन झूठे गवाहों के ये बयानात है जो उन्होंने खुद यहां आकर दिए। घूम के देखो हरी बाबू तुम्हारे सामने बैठे हैं। नहीं, ये सब गलत है, ये एकदम गलत है, आप इसकी बातों पे मत जाइएगा। ये मुझे जानबूझकर फंसाना चाहता है, ये अपने भाई का बदला लेना चाहता है मुझसे। जिस भाई का नाम ले रहे हो ना हरी बाबू, उसको मैं अपने हाथों से हवालात में बंद करके आया हूं, जाके देख लो उसे। मैं जानता हूं मेरी ममता उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह भी जानता हूं हरी बाबू कि कानून अगर उसके गिरेबान पे हाथ डाल सकता है तो वो यकीनन तुम्हारी गर्दन भी पकड़ सकता है, और वो पकड़ेगा हरी बाबू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नहीं यार, किस नहीं, कल्लू लाला इनसे कह दो कि सब झूठ है। साहेब, हम ही पापी पेट की खातिर चुप रहे, मुदा आज हम बोलेंगे। हरी बाबू, तुम्हारे ऐसा पापी संसार में न हो तो बेगैरती अनाथ हो जाए। पक्ते हो जी, गांव की बहु बेटी की इज्जत तुम खराब की हो। झूठा, गंगा की जिंदगी तुम्हारे कारण नाश हो। अरे तुम आदमी हो, तुम राक्षस हो, तुम लुच्चे हो, तुम कमीने हो।
खूब इंसाफ किए हो भैया, खूब इंसाफ किए हो। भाभी के हाथों में तो कड़े ना ही पहनाए हो, भैया के हाथ कड़े पहनाए दिए हो। खूब इंसाफ किए हो भैया, खूब इंसाफ किए हो। हम कौनो दया मांगे का नहीं आए हैं जमुना जी, खाली इतना करो भैया, जहां अपने भाई का रखे हो ना, वहां हम कभी रह दियो। जोनों की जान लेवे का हवे भैया, तो हम भी जान भी ले लो, हमरी जान भी ले लो साहेब, हम के बिना नहीं रह सके। हम के बच्चे की कसम खाए के कहते, वो के सिवा हमरा कोई नहीं, हमरा कोई नहीं। मेरा भी कोई नहीं है धन्नो, उस भाई के सिवा मेरा भी कोई नहीं है। ये वतन उसी की मेहनत और मजदूरी का सदका है, इन रगों में उसी का खून दौड़ रहा है धन्नो। मुझे कसम है इस खून की धन्नो, मैं भाई की मोहब्बत का गला घोंट सकता हूँ, लेकिन उसके माथे पर पाप का कलंक नहीं देख सकता। मैं इस कलंक को मिटा के रहूंगा धन्नो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ। कुछ नहीं कर सकता धन्नो, जाओ। गंगा तू चलिए ना, धन्नो मैंने जाइए, मैंने जाइए। अरे मोरा मुन्ना हम कहीं है बंद की से। लोकन का इंसाफ का बोलत है, धन्नो तू जा यहां से। कहां जाओ, मैं कौन के पास जाऊं, तोरे बिना मेरा कोई नहीं गंगा, तू चल। मैं अपने मुन्ना के धोखा दे के नहीं गई हूं। के मन में तेरे लिए कौन दया नहीं कर रहा। ऐसा मत बोलो, मेरा भाई है। सच बोलो तू, तेरा भाई नहीं, तेरा दुश्मन है, तेरा दुश्मन है। ऐसा मत बोल धन्नो।
जाना मत तू है, जाना नहीं, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है धन्नो, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है। मैं ही हूँ गंगा। बरोबर तू है, बरोबर तू है धन्नो, तू ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान एक रह जो भाई गया भगवान पर एक देके वापिस ना ले भगवान, हमरे पापी की इतनी सुन लो भगवान, एक देके वापिस न ले जाओ। मैं ना जाऊंगा, तेरी कसम, तेरी कसम, तुझे जो कुछ हो जाए ना इस संसार का आग लगा के माँ की कर दूंगा मैं धन्नो। गंगा ना, गंगा ना धन्नो, ना ना। चिता है ये, हमारा सब कुछ जल की माटी हो गया। मुझे माफ कर दे गंगा, गंगा मुझे माफ कर दे। हमका तो कौनो माफ नहीं किया, तुम हमको बहुत जुर्म किए हो बाबू साहब। गंगा मैं बहुत पापी हूं, मुझे हाथ मत लगा। हाथ नहीं लगाए हूं बाबूजी, काली तुई गोली तुमरे पापी बदन में गाड़ दे। नहीं गंगा, नहीं गंगा, मैं तेरे पांव छूता हूं गंगा। हाँ गंगा, नहीं नहीं गंगा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर छूता हूं गंगा। मोरी धन्नो के पैर छू रे, मोरी माँ के पैर छू, मोरा मुन्ना के पैर छू, तू उन सब काम से छीन ले गया हराम को। नहीं गंगा, नहीं गंगा, भाग मत, ए बाबू भाग मत, अरे बच के नहीं जाइए रे बाबू, अरे भाग मत, अरे बच के नहीं जाइए रे बाबू। ना 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 गंगा, गंगा ना। Thank you.
ऐसा करके तुमको क्या मिला दादा? कुछ नहीं मिला बुल्लू। मैंने भी कसम खाई है दादा कि तुमको इस बर्बादी के रास्ते से रोक दूंगा। बर्बादी तो हो गई मुन्ना, अब तो हम बचाए दे। मैं नहीं हट सकता दादा। अरे मुन्ना, इतने वक्त मेरे मन में आग लगी है, तू हट जा भैया। मैं नहीं हटूंगा दादा। नहीं ना मुन्ना, अरे मेरा हाथ उठ जाएगा मुन्ना, तू हट जा मुन्ना। नहीं दादा, नहीं दादा, मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं दादा, मैं नहीं हटूंगा। हट जा मुन्ना, मैं सारे संसार से बदला ले लूंगा मुन्ना। मुन्ना मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं दादा, मुझे मजबूर मत करो। तुम मौका गोली मारे रे लिमार, मार ये मार। Oh!
हूँ।